राम राम, जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देखिए आप, झारखंड में कल वोटिंग होनी है, पहले फेस की वोटिंग है। मैं झारखंड के बारे में आपको बताऊंगा कि किसकी सरकार बन रही है और क्या हो रहा है। आप के जितने परिचित और रिश्तेदार झारखंड में हैं, आप उनको भेजिएगा। और रिजल्ट के बाद, हालांकि अंतिम सत्य तो रिजल्ट ही होगा, मेरा तो सिर्फ अनुमान है, आकलन है, समीक्षा है, विशेषण है, और मेरा अपना एक गणित है जिसके आधार पर मैं आप सबके सामने बताता हूं किसकी सरकार बन रही, कौन सी स्टेट में कौन मजबूत है। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल सत्य साक्षात्कार को आप जरूर सब्सक्राइब करना। कहां चुनाव हो रहा है? 43 सीटों पर। कोल्हान प्रमंडल, प्रमंडल मतलब संभाग, आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू संभाग। क्या है उत्तरी जो छोटा नागपुर है, वो उसको कोलांचल भी बोलते हैं, जिसमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोल्हान जो जमशेदपुर वाला इलाका है, जो बंगाल से जुड़ा हुआ है, नीचे में उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, और जो आपका गुमला है, गढ़वा है, आपका जो ये नीचे का जो इलाका है, ये सब इलाके हमारे छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। और बीच में राजधानी रांची, आपका खूंटी, आपका ये जो इलाका है लातेहार, लोहरदगा, ये वाला इलाका है। क्या स्थिति है? इन 43 सीटों पे पिछले चुनाव में भाजपा को मात्र 13 सीट मिला था। उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ था जो कोल्हान प्रमंडल है, जमशेदपुर वाला इलाका जो उड़ीसा से लगा हुआ है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों में शून्य थी, शून्य। और चंपई सोरेन यहां के टाइगर कहलाते हैं, आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। झारखंड का अपना इतिहास है, आपको मैं बताऊंगा, पत्थलगढ़ी जो आंदोलन चला था, और उसके अलावा आपका जो जमींदारों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ आदिवासियों ने क्या लड़ाई लड़ी, उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। जबरदस्त राज्य है और जय जोहार यही का नारा है, छत्तीसगढ़ का नहीं है। जय जोहार झारखंड के संताल परगना आदिवासियों का है। क्या है 43 सीटों पे? आपको मैं बता दूं, टोटल 28 आदिवासी सीटें हैं। 28 में से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में मात्र 2 सीट जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर कड़ी थी ये कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना जो बंगाल से लगा हुआ इलाका है, और जो बाकुड़ा पाकुड़ वाला जो इलाका है, पुरलिया वाला से जो उससे जो जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पर जो डेमोग्राफिक चेंज हुई, जिसके बारे में चर्चा है कि बांग्लादेशी मुसलमान या अन्य रोहिंग्या मुसलमान आज भोले भाले आदिवासी लड़कियों से साथ शादी कर करके वहां पर बस गए। और एक तरफा आप सब जानते हैं कि जहां पर 40-50% मुसलमान होते हैं, वहां पे हिंदू का पार्टी तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं का चुनाव जीतना लगभग कठिन हो जाता है। ये तो आपको वक्त बताएगा, लेकिन अंतिम में आपको मैं बता दूं, रांची हजारीबाग वाला जो इलाका है, रांची आपका दक्षिण छोटा नागपुर में आता है, इन इलाकों में भाजपा अच्छी मजबूत है, कहीं को दोहरा नहीं। पलामू प्रमंडल में, पलामू संभाग में भी भाजपा अच्छी मजबूत है। जो आपका बिहार से लगा हुआ इलाका है, क्या होगा? सीधा सीधा आपको मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो 13 सीट थी, वो सीट लगभग मैं आपको बता रहा हूं 23-25 के आसपास, प्लस माइनस 3 कर लेना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चंपई सोरेन के कारण कोल्हान प्रमंडल में जो 14 में शून्य थी, इस बार मेरे को लगता है कि 4-5 सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी या मैक्सिमम जीतेगी। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इन 43 सीटों पे 23 प्लस माइनस 2-3 मान लीजिए, और 17-18 प्लस माइनस 2-3 इंडी गठबंधन JMM जीतेगी। कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि इन 43 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो 68 सीटों पे लड़ रही है, 81 सीट है यहां पर। और याद रखना, 2019 में आप JMM और कांग्रेस के दोनों के वोट परसेंटेज को मिला लो तो भी 29-30% होता है, और 33.7% वोट बीजेपी और उनके साथियों को मिला था। 68 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, 10 सीट पे आजसू, जोनदार जारदार युवा नेता सुदेश महतो की पार्टी, और एक सीट पे आपका पासवान जी की पार्टी LGPR, और
दो सीटों पे, दो या तीन सीटों पे जेडीयू लड़ रही है, कांग्रेस जेएमएम 44 पे लड़ रही है और कांग्रेस 29 सीटों पे लड़ रही है। इन जो 43 सीटों पे पहले फेस पर चुनाव हो रहा है, कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित होगी। आप देख लेना क्या स्थिति बनती है। पिछले चुनाव में शायद 8 या 9 सीट जीती थी कांग्रेस और 17 या 19 सीट आपका जेएमएम जीती थी। बिल्कुल उल्टा होगा और जो मैं आपको बताया 23 के आसपास प्लस माइनस 2-3 बीजेपी और उनके गठबंधन और 17-18 प्लस माइनस 2-3 के आसपास इंडी गठबंधन रहेगा। आप देख लेना आगे संथाल परगना बीजेपी के लिए और चुनौती वाला एरिया है और जिसमें देवघर है, पवित्र स्थान मां भगवान भोलेनाथ का, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज जो बिल्कुल बंगाल से टच वाला इलाका है, उस इलाके में सेकंड फेज में इलेक्शन होगा। लेकिन इस इलेक्शन में निश्चित रूप से एनडीए को पिछली बार से अच्छा बढ़त मिलेगा। यह आंकड़ा विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, जय हिंदुस्तान।